बॉलीवुड सिंगर भूमि त्रिवेदी और राहुल वैद के हाल ही में रिलीज हुए एल्बम सॉन्ग गरबे की रात का बहुत ही ज्यादा विरोध हो रहा है। किस बात को लेकर विरोध हो रहा है, कौन कर रहा है ये विरोध, आज हम इन्हीं बात पे चर्चा करेंगे। दरअसल गरबे की रात सॉन्ग में डांस में दिखाई गई अश्लीलता को लेकर विरोध हो रहा है। गुजरात के लोगों के आस्था के प्रतीक समान मोगल माता के गरबे के गुजराती सॉन्ग के साथ निया शर्मा के अश्लील नृत्य वाले दृश्यों को दिखाया गया, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिससे गुजरात के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम इस वीडियो में किया गया। गरबे की रात सॉन्ग में गीत के शब्दों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गीत के शब्दों के साथ दिखाए जाने वाले निया शर्मा के असली दृश्यों को लेकर विरोध हो रहा है। गुजरात के जाने माने लोक गायक राजभा गढ़वी ने इस सॉन्ग को सोशल मीडिया पर से जल्दी हटा लेने की चेतावनी दी है। राजभा गढ़वी ने राहुल वैद को चेतावनी देते हुए कहा है कि माता जी के नाम पर ऐसी अश्लीलता नहीं चला ली जाएगी। हम बोलते हैं कम, पर जब बोलते हैं तब उसका असर बहुत ही ज़्यादा होता है। राजभा गढ़वी के इस शब्दों को गुजरात की जनता ने बहुत ही ज़्यादा समर्थन दिया है। इसी वजह से इस सॉन्ग का गुजरात में जोर शोर से विरोध हो रहा है। गुजरात के एक और लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी ने भी इस सॉन्ग को लेकर अपना विरोध दर्शाया है। इस वीडियो को बनाने वाले लोगों के सामने कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, इसी गुजरात के लोगों की मांग है। गुजरात के एडवोकेट कुलदीप दवे ने साइबर क्राइम में अर्जी दाखिल करते हुए कहा है कि इस वीडियो में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया गया है। राहुल वैद के इस वीडियो में देवी देवताओं को अपमानित करने वाला कंटेंट दिखाया गया है। हालांकि बॉलीवुड सिंगर राहुल वैद ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि मोगल माता के नाम पे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, ये गलती हमसे अनजाने में हुई है। हालांकि फिलहाल इस वीडियो को राहुल वैद की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हटा लिया गया है। अब हमें ये देखना है कि इस वीडियो को फिर से रिलीज़ किया जाएगा या नहीं, और रिलीज़ होगा तो किस परिवर्तन के साथ। मेरी राय आपको शॉर्ट में बताऊँ तो भारत के युवाओं की बड़ी आबादी को बिगाड़ने में और उसे गलत मार्ग पर दौड़ने में बॉलीवुड का सबसे बड़ा हाथ रहा है। राहुल वैद का यह वीडियो इसी बात का प्रमाण है। बॉलीवुड और इस वीडियो को लेकर आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।